दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पुरंदर दास एवं उनकी विरासत। देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। कर्नाटक सरकार पुरंदर दास के वास्तविक जन्म स्थान का पता लगाएगी। इसके लिए कर्नाटक का पुरातत्व विरासत एवं संग्रहालय विभाग जल्द ही फील्ड रिसर्च वर्क शुरू करेगा। यह फील्ड रिसर्च वर्क तीर्थहल्ली तालुका के अर्गा ग्राम पंचायत के केशवपुर में होगा। चलिए देखते हैं कौन थे पुरंदर दास। पुरंदर दास एक महान कवि एवं संगीतकार थे। उन्हें कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है। इनका जन्म स्थान बहुत से लोगों द्वारा महाराष्ट्र के पुरंदरगढ़ में माना जाता है, जबकि कर्नाटक के मलनाड के लोगों का दावा है कि उनका जन्म मलनाड के अर्गा के आसपास हुआ था। हरिदास परंपरा की शुरुआत करने से पहले पुरंदर दास एक अमीर व्यापारी थे। उस समय उन्हें श्रीनिवास नायक कहा जाता था। मल्लाड में पुरंदर दास के जन्म का दावा करने वाले समर्थक बताते हैं कि विजयनगर शासन के दौरान नायक की उपाधि मल्लाड के धनी व्यापारियों सहित स्थानीय प्रभावशाली लोगों को दी गई थी। अन्य प्रमुख तथ्य। पुरंदर दास की रचना का उपनाम पुरंदर विठाला है। कर्नाटक संगीत विश्व के पुराने म्यूजिक सिस्टम में से एक है। यह राग और ताल पर आधारित होता है। पुरंदर दास ने कर्नाटक संगीत के राग और ताल के कोडिफिकेशन में अहम योगदान दिया था। उन्होंने कर्नाटक संगीत को एक क्लियर फॉर्मेट दिया, जिससे इसे पढ़ाना और प्रदर्शन करना संभव हो सका। पुरंदर दास ने द्रविड़ियन और आर्यन संगीत को मिलाकर कर्नाटक संगीत का निर्माण किया था। विजयनगर शासन के दौरान मल्लाड में अर्गा एक मुख्य व्यावसायिक केंद्र था, जिसका संबंध पुरंदर दास से था। आज का प्रश्न देखते हैं। पुरंदर दास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है। इन्हें श्रीनिवास नायक के नाम से भी जाना जाता है। उपर्युक्त में कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों।